गुरु जी, मैं मुस्लिम हूँ पर मेरे भगवान कान्हा जी। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद, काफी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आज, आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम अभी कहां? मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुँह मत देखियो, तू हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सांसते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आपने धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना? हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, मैं भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो, और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में उसी लिवास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग सी आनी ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है, तो मैं क्या कर सकता, मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था, मेरी एक्चुअली मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी ने दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम उम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012, एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो पन्नी आया करती थी, तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी थी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी, उन्होंने हाथ में मुरली रखी। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं, तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही तू, मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसी होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी मेरे को भी दे, तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले जाता ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मामा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है, किसी ने ना मुझे सिखाया ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसी नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति, तो वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे लोग कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी सनातन ने किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेके चला था, पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, तो मैंने
वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो वाली सिस्टम हो गई, तो मैंने कहा फिर सनातन में आ जाऊंगा क्योंकि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकता। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और ठाकुर जी की थोड़ी दया हुई तो ब्रजवास कर लूँगा बहुत जल्द, और आपका आशीर्वाद रहा तो गुरु जी। बिल्कुल ठीक है। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए दोनों में क्या अंतर? ये लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके? मुझे तो ये पता नहीं क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी। सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म है जहाँ मन को शांति मिलती है और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता, तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते। जी, जैसे कि होली होगी दिवाली होगी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला कर के त्यौहार मनाते हैं, दीपक जला कर और मिठाइयों के साथ, तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सनातन बहुत। और अब भी मैं सनातन में ही हूँ तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ। बिल्कुल, आप पूर्ण सनातनी हैं। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई, रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो रास्ता भटक गए हैं लोग। किसी धर्म में किसी की हत्या करना जायज नहीं है, आपको क्या लगता है किसी की हत्या करना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि धर्म को अगर वैसे भी लेके चलें तो धर्म को ना के लेकर भी चलें तो लोग एक्चुअली बहुत सनातन जो लोग खाते हैं उनसे भी मेरा वो चाहे जो भी खाए वो, क्योंकि जान सबके अंदर होता है। मैं पहले छोटा था तो मैं जाया करता था मुर्गे की शॉप पे, तो वहाँ एक मुर्गा इतना तड़पता है कि उसको देखकर अब जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये उसके साथ, वो इतना तड़पता है। अगर कोई जाके उसको कटता हुआ देख लेना, मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दो तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना काट रहे हो तो वो काट रहा है। तो सर गुरु जी मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी कुछ आप बताएं कि जो लोग ये कहते हैं हम नहीं काट रहे वो काट रहे हैं, हम जान नहीं ले रहे भाई, पर आपके कारण ही तो वो मर रहा है। हाँ, मैं आप ग्राहक बन करना चाहते तो उसकी हत्या ना होती, तो मैं जिम्मेदार हत्यारे तो वो ही हैं जो ग्राहक बन के गए हैं, और गुरु असली हत्यारे वो हैं। मेरा एक सवाल और भी है कि बहुत हमारे सनातन लोग हैं जो इन लोगों को किराए पे दे देते हैं जो मुर्गा मुर्गा काटते हैं, जो भी धर्म से मुझे नहीं पता, पर उनके लिए भी कुछ आप मतलब उनको इस चीज़ का पाप लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल, पाप तो देखो किसी की, हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ तो चींटी को भी आटा डाला जाता है, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी निकाली जाती है। जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र की सेवा करना, हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा सिवी, जिन्होंने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, काट करके दे दिया था एक पक्षी की रक्षा के लिए। उनकी गोद में एक पक्षी उड़ के आ गया तो जिसने पकड़ा था उसने कहा ले दो हमें, हम इसको खाएंगे। अब राजा ने कहा मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं दे सकता। तो ये वो धर्म है सनातन धर्म जहाँ एक पक्षी की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा राजा अपने आप का बलिदान देता है। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो राजा, आपके आपके अंदर जितनी दया है इस दया से हम स्वयं बिक गए आपसे। और महाराज जी एक सवाल मेरा और भी है कि बहुत सारे डाउट है कि मैं संकीर्तन करता हूँ एक्चुअली। क्या करते हैं? मैं संकीर्तन ही करता हूँ। क्या गाते हैं आप? मैं कृष्ण संध्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से लोग कराते हैं अब क्योंकि इस तरीके की बातें चल गई कि ये संकीर्तन करेगा तो हमें इसका पुण्य नहीं लगेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे करने से किसी को पुण्य नहीं लगता तो भाई मैं नहीं करूँगा? नहीं, आपका जो पुण्य है वो आपके पास है, आप जो भी पुण्य करेंगे, आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसका कहीं नहीं गया। मैं अच्छा करूंगा मुझे मिलेगा, ये अच्छा नहीं, महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे से करवाते हैं उन लोगों को। अब जैसे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ। उन मंदिरों में कीर्तन के लिए लोग बुलाते हैं कि आप आके दो घंटे कीर्तन करो, आप भी करो, तो आप कीर्तन कर सकते हैं, वो तो वहाँ की नियमावली है, कीर्तन करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी माँ को अपने पिताजी को समझाइएगा कि वो परेशान ना हो, आप सही जगह हैं। सनातन धर्म मीन्स आप खुद कह रहे हैं कि शांति का अनुभव है, पूरी दुनिया आज नहीं कल इसी शांति की ओर बढ़ेगी जिस शांति की ओर आप आज बढ़ गए हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं गुरुजी, मैं एक छोटा सा भजन आपके दरबार के लिए गाना चाहूँ। हाँ गाइए। मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे जिन्हें आप सा आशियाना मिला है।
महाराज जी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं, और हर सवाल का मुझे आज लगा कि कुछ जवाब मुझे मिला जो मैं खुद तलाश रहा था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे, प्रसन्न।